हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आज है छठ पूजा। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। नहाए खाए के बाद खरना, फिर उसके बाद डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, फिर अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, जल में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। तो इस तरीके से यह महापर्व 4 दिन का होता है। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से ब्लॉग के साथ पूजा विधि भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जो घाट पर डाला आता है, पीछे जो आप देख रहे हैं बड़ी टोकरी, उसको डाला बोलते हैं। उसी में हम अर्घ रख के लाते हैं। तो सबसे पहले हम अर्घ को सजा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घाट के किनारे मैंने अर्घ को सजा दिया है। फिर मैंने सारे अर्घ पर अगरबत्ती जला के रख दिया है। सुबह में दिया भी जलाऊंगी, अभी के टाइम में अगरबत्ती ही जलाया जाता है। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा कितना अर्घ होता है। तो ये डाला है, इसी में हम अर्घ रख के लाते हैं और 4 अर्घ अभी रखा गया है। और रात को डाला जगने के टाइम में बाकी अर्घ को रखा जाएगा और मॉर्निंग में रखा जाएगा। तो ये देखिए, सूप है, डगरा है, ढकना है और एक प्लेट में किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, ढकिया में भी रख सकते हैं। तो ये सब डाला है और ये देखिए घाट बहुत ही सिंपल तरीके से सजाया है, बट बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, मैं जब से YouTube पर हूँ, मैं हर साल छठ पूजा का ब्लॉग ज़रूर शेयर करती हूँ। जब मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं किया था तो मैं अपने दूसरे चैनल परी हेल्थ एंड ब्यूटी पर भी छठ पूजा का ब्लॉग ज़रूर डालती थी और इस चैनल पर भी मैं हर साल शेयर करती हूँ। तो इस साल मैंने सोचा कि चलो थोड़ा हट के शेयर करते हैं, मतलब ब्लॉगिंग के साथ पूजा विधि भी शेयर करते हैं। जो लोग भी बिहार और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो भी बिगनर्स हैं, तो उनको इस वीडियो को देख के काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर परी का फोटोशूट चल रहा है, तो पोज दिया जा रहा है, ये देखिए। और इसके बाद मेरा भी फोटोशूट होगा। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अर्घ में क्या क्या रखा जाता है। तो ये देखिए, ठेकुआ, शाम के टाइम में 5 ठेकुआ रखते हैं, फल रखते हैं, अर्घ में आदि, हल्दी, ओल, सुथनी, पान का पत्ता, अर्कत पात बद्धी, किराव, चावल, मिठाई, नारियल, नारियल में भी ये बद्धी जो है वो लपेटा जाता है, ईख, तो ये सब रखा जाता है। जिसकी जैसी मन्नत होती है उस हिसाब से रखते हैं। जैसे किसी ने नारियल मान रखा हो, जोड़ा नारियल, मिठाई भी अलग से मानते हैं, बैंगन, ये सब माना जाता है, सूप, डगरा, ढकना, ये सब लोग मन्नत मानते हैं फिर रखते हैं। वैसे करने के लिए तो सिंपल फल फूल पान से भी कर सकते हैं। और डाला भी खाली नहीं रहना चाहिए, डाला में भी ठेकुआ, फल फूल, जो भी चीज़ें हैं, अर्घ का सामान सब रखा जाता है। जैसे बहुत लोग हाथी मानते हैं तो हाथी भी रखते हैं, बहुत लोग शाम के टाइम में ही हाथी रखते हैं, और बहुत लोगों का ये केले का घौर माना जाता है, तो हम लोगों का भी है, लेकिन हम लोगों का रात में चढ़ेगा, हम लोगों का अभी शाम में नहीं चढ़ता है। और ये देखिए अर्घ किस तरीके से दिया जाता है। तो ये जो है, ये तो ठढ़िया दे रही हैं, ये अर्घ नहीं देंगी, लेकिन फिर भी ये एक फल लेके खड़ी हो जाएंगी पानी में। तो यहाँ पर पान का पत्ता है, फिर उसके ऊपर से चावल का पिठार लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, अकुड़ी और चावल देते हैं, फिर फल फूल ये सब लेके और पश्चिम की तरफ घूम के खड़ा होना है, क्योंकि अभी डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो अभी जो प्रसाद का डायरेक्शन है वो भी पश्चिम की तरफ ही रहेगा और पूजा भी पश्चिम की तरफ घूम के ही होगा। लोग 2 तरीके से पानी में खड़े होते हैं, एक तो ठड़िया देने के लिए, तो वो लोग अर्घ नहीं दे सकते हैं, और जो लोग अर्घ देते हैं वो लोग बाद में आते हैं और जो भी विधि होता है वो करके फिर अर्घ देते हैं, और जिनको ठड़िया देना होता है वो पहले से ही आके खड़े हो जाते हैं। इस व्रत को संतान प्राप्ति और उनके सुख समृद्धि के लिए किया जाता है।
यह महापर्व मुख्यतः बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस व्रत की महिमा इतनी है कि अब इस व्रत को सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अर्घ किस तरीके से दिया जाता है। तो पहले डुबकी लगा के, फिर हाथों पर पान का पत्ता, सिंदूर, पिठार, अकुरी और चावल, ये सब लिया जाता है। तो ये सब लेने के बाद इसके बाद सिंदूर लगाया जाता है, जो कि पूरे नाक से लेके माथे तक लगाया जाता है। ये हमारे यहाँ का रिवाज है, यही हमारी पहचान है। इसको हमारे लोकल भाषा में सुरका बोला जाता है। तो सुरका करने के बाद फिर हाथों में फूल, फल, ये सब लेके खड़े होते हैं। थोड़ी देर खड़े होते हैं, छठी मैया का ध्यान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये कलश है, कलश के ऊपर नारियल रखा हुआ है, तो ये भी रखा जाता है, ये बाद में रखाया है। अब सूर्य भगवान को, छठी मैया को अर्घ दिया जाएगा। तो उससे पहले फिर से सिंदूर लगाया जा रहा है। तो एक एक करके हम लोग अर्घ देंगे। तो ये देखिए अर्घ किस तरीके से दिया जाता है। अभी शाम के अर्घ में सिर्फ अर्घ दिखा के रख दिया जाता है, और सुबह में उचरंग दिया जाता है। तो सुबह का आप लोग देखिएगा किस तरीके से होता है, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से सभी लोग एक एक करके अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद सारे अर्घ को हम फिर से डाला में रख लेते हैं, और डाला में रखने के बाद इसको ढक के हम ले जाते हैं, फिर पूजा वाले रूम में रख देते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड अभी डाला लेके जा रहे हैं।
तो इस तरीके से घर में जो मर्द होते हैं वहीं डाला को लेके जाते हैं और पूजा वाले घर में रख देते हैं। और ये देखिए छठ घाट रात में कैसा लग रहा है। और रात में भी हम दिया जला के रख देते हैं यहाँ पर, ये देखिए ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम दिया जला के रख देते हैं, अगरबत्ती जला के रख देते हैं। तो इस तरीके से डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। अब मैं डाला जगने का और फिर सुबह की पूजा का अलग से वीडियो शेयर करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये देखिए डाला जगने से पहले परी की मस्ती चल रही है। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग और मैंने जो भी पूजा विधि शेयर की है अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।